2013 में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई, जिसमें धूम 3, रामलीला, क्रिश 3, द लंच बॉक्स, ग्रैंड मास 3 और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं। तो वहीं जैकपॉट, बुलेट राजा, गौरी तेरे प्यार में, बॉस, बेशर्म और फटा पोस्टर निकला हीरो जैसी बड़े बजट वाली फिल्में फ्लॉप रही। इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2013 में आई सभी फिल्मों की परफॉर्मेंस के बारे में, कौन सी फिल्म हिट रही थी और कौन सी फिल्म फ्लॉप, किस फिल्म ने कितना लगाया और कितना कमाया, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अभी से कर दो लाइक और चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहली फिल्म 4 जनवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था टेबल नंबर 21। बजट 8.50 करोड़, कलेक्शन 17.80 करोड़ और फिल्म अबव एवरेज थी। अगली फिल्म भी 4 जनवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था देहरादून डायरी। बजट 4.25 करोड़, कलेक्शन 35 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म भी 4 जनवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था मेरी शादी कराओ। बजट 2.25 करोड़, कलेक्शन 20 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 11 जनवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था मटरू की बिजली का मंडोला। बजट 45 करोड़, कलेक्शन 62.99 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म भी 11 जनवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था प्यार में ऐसा होता है। बजट 55 लाख, कलेक्शन 3 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 11 जनवरी को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था गंगूबाई। बजट 1.25 करोड़, कलेक्शन 1 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 18 जनवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था इनकार। बजट 14 करोड़, कलेक्शन 14.93 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 18 जनवरी को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था मुंबई मिरर। बजट 18 करोड़, कलेक्शन 2.58 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म भी 18 जनवरी को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था बंदूक। बजट 4.50 करोड़, कलेक्शन 21 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था रेस 2। बजट 85 करोड़, कलेक्शन 173.36 करोड़ और फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 25 जनवरी को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था आकाशवाणी। बजट 10 करोड़, कलेक्शन 3.6 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 25 जनवरी को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था मैं कृष्णा हूँ। बजट 5 करोड़, कलेक्शन 29 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 1 फरवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था दीवाना मैं दीवाना। बजट 5 करोड़, कलेक्शन 44 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 1 फरवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था डेविड। बजट 35 करोड़, कलेक्शन 5.21 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 1 फरवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था माई। बजट 2 करोड़, कलेक्शन 10 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 1 फरवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था लिसन अमाया। बजट 1.50 करोड़, कलेक्शन 15 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 8 फरवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था स्पेशल 26। बजट 45 करोड़, कलेक्शन 108.39 करोड़ और फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 8 फरवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था ABCD एनीबॉडी कैन डांस। बजट 20 करोड़, कलेक्शन 66.23 करोड़ और फिल्म सुपर हिट थी। अगली फिल्म 8 फरवरी को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था द अनसाउंड। बजट 1 करोड़, कलेक्शन 9 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 21 फरवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था जयंत भाई की लव स्टोरी। बजट 14.50 करोड़, कलेक्शन 4 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 15 फरवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था मर्डर 3। बजट 15 करोड़, कलेक्शन 32.71 करोड़ और फिल्म अबव एवरेज थी। अगली फिल्म 22 फरवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था कायपोची। बजट 30 करोड़, कलेक्शन 83.39 करोड़ और फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 22 फरवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था जिला गाजियाबाद। बजट 36 करोड़, कलेक्शन 22.26 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 1 मार्च को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था आई मी और मैं। बजट 20 करोड़, कलेक्शन 13.82 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 1 मार्च को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था ब्लडी इश्क। बजट 5.50 करोड़, कलेक्शन 50 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 1 मार्च को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था द अटैक्स ऑफ 2611। बजट 22 करोड़, कलेक्शन 23.52 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 8 मार्च को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था साहेब बीबी और गैंगस्टर रिटर्न। बजट 19 करोड़, कलेक्शन 29.72 करोड़ और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 8 मार्च को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था सारे जहां से महंगा। बजट 5 करोड़, कलेक्शन 84 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 15 मार्च को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था 3G। बजट 13 करोड़, कलेक्शन 7.45 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 15 मार्च को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था मेरे डैड की मारुति। बजट 11 करोड़, कलेक्शन 17.61 करोड़ और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 15 मार्च को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था जॉली LLB।
बजट 13.50 करोड़, कलेक्शन 48.70 करोड़ और फिल्म सुपरहिट थी। अगली फिल्म 21 मार्च को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था रंगबाज, बजट 23 करोड़, कलेक्शन 9.71 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 22 मार्च को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था द एडवेंचर ऑफ सिनबाद, बजट और कलेक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 29 मार्च को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था हिम्मत वाला, बजट 50 करोड़, कलेक्शन 68.87 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था चश्मे बदूर, बजट 20 करोड़, कलेक्शन 62.80 करोड़ और फिल्म हिट थी। अगली फिल्म 12 अप्रैल को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था नौटंकी साला, बजट 16 करोड़, कलेक्शन 32.93 करोड़ और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 12 अप्रैल को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था कमांडो, बजट 17 करोड़, कलेक्शन 29.10 करोड़ और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 29 अप्रैल को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था एक थी डायन, बजट 24 करोड़, कलेक्शन 40.25 करोड़ और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था आशिकी 2, बजट 15 करोड़, कलेक्शन 109.88 करोड़ और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था श्री, बजट 3 करोड़, कलेक्शन 32 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 23 मई को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था शूट आउट एट बडाला, बजट 47 करोड़, कलेक्शन 91.63 करोड़ और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 3 मई को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था बॉम्बे टॉकीज, बजट 12.50 करोड़, कलेक्शन 13.9 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 3 मई को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था छोटा भीम एंड द थ्रोन ऑफ बाली, बजट 5 करोड़, कलेक्शन 4.33 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 10 मई को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था गो गोवा गॉन, बजट 19 करोड़, कलेक्शन 37.82 करोड़ और फिल्म अबव एवरेज थी। अगली फिल्म 10 मई को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था जिप्पी, बजट 6 करोड़, कलेक्शन 5.75 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 17 मई को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था औरंगजेब, बजट 36 करोड़, कलेक्शन 35.41 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 7 मई को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था आई डोंट लव यू, बजट 2 करोड़, कलेक्शन 70 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 17 मई को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था भीड़, बजट 2 करोड़, कलेक्शन 1.15 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 24 मई को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था इश्क इन पेरिस, बजट 21 करोड़, कलेक्शन 2.80 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 24 मई को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था हम है राही कार के, बजट 5 करोड़, कलेक्शन 72 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 24 मई को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था जिंदगी 50-50, बजट 3.50 करोड़, कलेक्शन 86 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 31 मई को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी, बजट 45 करोड़, कलेक्शन 319.60 करोड़ और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म 7 जून को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था जमला पगला दीवाना 2, बजट 30 करोड़, कलेक्शन 56.39 करोड़ और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 7 जून को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था मेरे हौले दोस्त, बजट 75 लाख और कलेक्शन 2 लाख, फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 14 जून को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था फुकरे, बजट 16 करोड़, कलेक्शन 51.26 करोड़ और फिल्म सुपरहिट थी। अगली फिल्म 14 जून को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था अलपुर अरोड़ा मर्डर केस, बजट 7.50 करोड़, कलेक्शन 1.5 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 21 जून को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था रांझना, बजट 35 करोड़, कलेक्शन 94.13 करोड़ और फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 21 जून को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था एनमी, बजट 12 करोड़, कलेक्शन 2.28 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 21 जून को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था शॉर्टकट रोमियो, बजट 14 करोड़, कलेक्शन 2.58 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 21 जून को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था है गोलमाल इन व्हाइट हाउस, बजट 40 लाख, कलेक्शन 2 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 29 जून को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था गन चक्कर, बजट 30 करोड़, कलेक्शन 52.86 करोड़ और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 5 जुलाई को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था लुटेरा, बजट 30 करोड़, कलेक्शन 49.68 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 5 जुलाई को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था पुलिस ग्रीन, बजट 30 करोड़, कलेक्शन 22.90 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 12 जुलाई को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था भाग मिल्खा भाग, बजट 50 करोड़, कलेक्शन 169.96 करोड़ और फिल्म सुपरहिट थी। अगली फिल्म 12 जुलाई को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था 16, बजट 2.75 करोड़, कलेक्शन 1.76 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 12 जुलाई को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था बॉयज तो बॉयज हैं, बजट 2 करोड़, कलेक्शन 12 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 19 जुलाई को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था रमैया वस्ता मैया, बजट 38 करोड़, कलेक्शन 51.14 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 19 जुलाई को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था डी डे, बजट 28 करोड़, कलेक्शन 39.78 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म भी 19 जुलाई को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था शिप ऑफ थीज़र्स, बजट 3 करोड़, कलेक्शन 2.41 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी।
अगली फिल्म 26 जुलाई को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था इश्क। बजट 25 करोड़, कलेक्शन 5.37 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 26 जुलाई को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बजाते रहो। बजट 15 करोड़, कलेक्शन 8.43 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 26 जुलाई को ही रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था लव यू सोने हो। बजट 5.75 करोड़, कलेक्शन 2.70 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 26 जुलाई को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था नशा। बजट 8 करोड़, कलेक्शन 3.86 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था रब्बा मैं क्या करूं। बजट 11 करोड़, कलेक्शन 1.44 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म भी 2 अगस्त को ही रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था चोर चोर सुपर चोर। बजट 3.75 करोड़, कलेक्शन 17 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2 अगस्त को ही रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बीए पास। बजट 6.75 करोड़, कलेक्शन 11.46 करोड़ और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 2 अगस्त को ही रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था कलापुर। बजट 2.50 करोड़, कलेक्शन 12 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2 अगस्त को ही रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था लव इन बॉम्बे। बजट 60 लाख, कलेक्शन 2 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 9 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था चेन्नई एक्सप्रेस। बजट 75 करोड़, कलेक्शन 424.54 करोड़ और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। बजट 80 करोड़, कलेक्शन 95.19 लाख और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 26 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मद्रास कैफे। बजट 34 करोड़, कलेक्शन 67.56 करोड़ और फिल्म अबव एवरेज थी। अगली फिल्म 30 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सत्याग्रह। बजट 60 करोड़, कलेक्शन 97.18 करोड़ और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 6 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जंजीर। बजट 60 करोड़, कलेक्शन 23.49 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 6 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था शुद्ध देसी रोमांस। बजट 25 करोड़, कलेक्शन 76.64 करोड़ और फिल्म हिट थी। अगली फिल्म 6 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जिंदगी जलेबी। बजट 25 लाख, कलेक्शन 1 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 10 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सिद्धार्थ। बजट 40 करोड़, कलेक्शन 91.79 करोड़ और फिल्म का प्रीमियर फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। अगली फिल्म 13 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था ग्रैंड मस्ती। बजट 31 करोड़, कलेक्शन 147.94 करोड़ और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म भी 13 सितंबर को ही रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जॉन डे। बजट 9 करोड़, कलेक्शन 2.18 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 13 सितंबर को ही रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था हॉरर स्टोरी। बजट 6 करोड़, कलेक्शन 7.3 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 20 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था फटा पोस्टर निकला हीरो। बजट 47 करोड़, कलेक्शन 63.31 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 20 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था द लंच बॉक्स। बजट 10 करोड़, कलेक्शन 100.85 करोड़, फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म 27 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था वार्निंग। बजट 10 करोड़, कलेक्शन 3.63 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 27 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मंजिल। बजट 1.75 करोड़, कलेक्शन 13 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 27 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था प्राग। बजट 4 करोड़, कलेक्शन 11 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 27 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सुपर मॉडल। बजट 5 करोड़, कलेक्शन 1.12 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बेशरम। बजट 78 करोड़, कलेक्शन 102.85 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था वार छोड़ना यार। बजट 17 करोड़, कलेक्शन 8.69 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म भी 11 अक्टूबर को ही रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बात बन गई। बजट 3.50 करोड़, कलेक्शन 24 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म भी 11 अक्टूबर को ही रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था एक थी सनम। बजट 20 लाख, कलेक्शन 4 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म भी 11 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था पापी। बजट 1.50 करोड़, कलेक्शन 18 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बॉस। बजट 72 करोड़, कलेक्शन 90.94 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था शायद। बजट 6.50 करोड़, कलेक्शन 3.60 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बेकअप इंडिया। बजट 1.50 करोड़, कलेक्शन 9 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था आमदावन जंक्शन। बजट 50 लाख, कलेक्शन 3 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था दिल्ली गैंग। बजट 1.50 करोड़, कलेक्शन 9 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मिक्की वायरस। बजट 11 करोड़, कलेक्शन 10.60 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था इश्क एक्चुअली। बजट 3.50 करोड़, कलेक्शन 52 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सुपर से ऊपर। बजट 2 करोड़, कलेक्शन 12 लाख और फिल्म डिजास्टर थी।
अगली फिल्म 1 नवंबर को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था क्रिश 3, बजट 95 करोड़, कलेक्शन 393.37 करोड़ और फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म 8 नवंबर को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था सत्या 2, बजट 14 करोड़, कलेक्शन 2.84 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 15 नवंबर को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था रज्जो, बजट 11 करोड़, कलेक्शन 1.73 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 15 नवंबर को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था रामलीला, बजट 35 करोड़, कलेक्शन 207.33 करोड़ और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म भी 15 नवंबर को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था कांड, बजट 30 लाख, कलेक्शन 4 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 22 नवंबर को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था गोरी तेरे प्यार में, बजट 45 करोड़, कलेक्शन 32.80 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 22 नवंबर को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था सिंह साहब द ग्रेट, बजट 35 करोड़, कलेक्शन 40.67 लाख और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 29 नवंबर को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था बुलेट राजा, बजट 50 करोड़, कलेक्शन 55.43 करोड़ और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था आर राजकुमार, बजट 58 करोड़, कलेक्शन 101.21 करोड़ और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 13 दिसंबर को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था जैकपॉट, बजट 27 करोड़, कलेक्शन 5.23 करोड़ और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 13 दिसंबर को ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था व्हाट द फिश, बजट 4.50 करोड़, कलेक्शन 98 लाख और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था धूम 3, बजट 1.25 करोड़, कलेक्शन 599.20 करोड़ और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी।